नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह, आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एसोसिएट के तरफ से आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक वीडियो लेकर। वीडियो ये टर्निंग के दो आइटम टर्निंग का छूट गया था मेरे से, लेकिन फिर मैंने स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि दो आइटम तो देना जरूरी है। एक दो आइटम है कंटैक्ट ग्राउटिंग एंड कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। टनलिंग का काम जब पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, टनलिंग का लाइनिंग हो जाता है, लाइनिंग का जो क्रैक रिपेयर वगैरह होता है, हनीकम्बिंग रिपेयर होता है, उसमें कुछ और केमिकल ट्रीटमेंट होता है, उस सारे काम करने के बाद जब टनल को बिल्कुल ही सिर्फ एक टनल का क्लीनिंग यानी सफाई रह जाता है, पानी से मार के साफ करते हैं, तब उसके पहले ये कंटैक्ट ग्राउटिंग और कंसोलिडेशन ग्राउटिंग का काम करते हैं। अब कंटैक्ट ग्राउटिंग क्या है, आइए मैं यहां आपको समझा रहा हूं। ये देखिए एक टनल का सेक्शन है, इसमें भी 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, इसका कोई मैं डायमेंशन नहीं लिया हूं, मैं ऐसे ही टनल का सेक्शन ड्रॉ किया हूं। तो टनल का सेक्शन ड्रॉ करने, टनल का ब्लास्ट लेने के बाद, टनल का लाइनिंग करने के बाद क्या होता है कि लाइनिंग के पहले ये टनल का सरफेस जो है ये स्टोन होता है, यानी ये पर्सन, ये जो डिमार्केशन शो किया गया है ये स्टोन का सरफेस है। लेकिन उसके बाद हम लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग करते हैं तो लाइनिंग करने में क्या होता है कि लाइनिंग कहीं 300 का होता है, कहीं 200 की लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है, और अगर ये सपोर्ट सेक्शन है तो ये इसका और बढ़ जाता है। लेकिन लाइनिंग का थिकनेस 300 का है तो 300 और उभर रहेगा। ये हम लाइनिंग दिए हैं, ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग किया गया है, ये लाइनिंग किया गया है यानी कंक्रीट पूर्ण किया गया, कंक्रीट प्लेस किया गया है। तो ये कंक्रीट डालने के बाद का जो फिनिश टनिंग, टने का फिनिश सरफेस है, कंक्रीट का अपने सर्वे से एक टनल के शेप में दिखाई पड़ रहा है। इट इज ऑल राइट, मैं समझता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, कंटैक्ट ग्राउटिंग का आइटम करते हैं। कंटैक्ट ग्राउटिंग क्या है, जब हम लाइनिंग करते हैं तो लाइनिंग का कंक्रीट और रॉक के बीच में कहीं कहीं या कभी कभी थोड़ा और टनल क्रॉस सेक्शन में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इधर उधर एक गैप रह जाता है, और वो गैप फिल नहीं होता है लाइनिंग करने से, रह जाता है लाइनिंग और स्टोन रॉक के बीच में, ये रॉक है और ये लाइनिंग है, इसके बीच में रह जाता है। तो उसको अगर फिल नहीं किया जाएगा तो लाइनिंग जो है, कंक्रीट जो है, कमजोर हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद चूंकि वाटर वे है तो वाटर के वाइब्रेशन के चलते, घर्षण के चलते उसमें वाइब्रेशन डेवलप होगा और टूट के निकल जाता है। अगर ये रेलवे टनल है तो रेलवे के वाइब्रेशन के चलते ये टूट के निकल जाता है, अगर ये रोडवे टनल है तो भी वही चीज होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, कंटैक्ट ग्राउटिंग। कंटैक्ट ग्राउटिंग की ये देखिए, इसमें ग्राउंड में स्पीयर पर और फिर यहां पर जो है एक इस यहां पर और एक सेंटर में और एक यहां पर, तो ये होल करते हैं। 25 mm डाया का होल किया जाता है, ये 25 mm डाया का होल किया जाता है, और ये हो कहां से कहां, कितना कहां तक होता है, यानी कंक्रीट के सरफेस, फिनिश सरफेस से लेकर रॉक का जो सरफेस है, अवेलेबल रॉक का सरफेस है, लाइनिंग करने के पहले जो रॉक का सरफेस है वहां तक करते हैं। देखिए यहां तक किया गया है, ये यहां तक किया गया है, ये यहां तक किया गया, यानी रॉक के सरफेस तक किया गया है, रॉक का सरफेस यहां है, यहां तक किया गया है। उसी तरह से ए रॉक का सरफेस यहां है, ए रॉक का सरफेस यहां है, ए रॉक का सरफेस यहां है, ए रॉक का सरफेस यहां, ए रॉक का सरफेस यहां, ये होल करते हैं। और होल कहले करते हैं, 25 mm डाया का होल करते हैं,
और 25 mm का होल्ड करने के बाद क्या होता है, क्या होता है कि इससे सीमेंट ग्राउट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन इट मे बी 1:2:2, 1:2:3 या 1:2:4, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। इससे ज्यादा सीमेंट ग्राउट का हमने कंटेक्ट ग्राउटी में इससे ज्यादा सीमेंट ग्राउट का मिक्स डिजाइन मैं प्रीफर नहीं करता हूं क्योंकि वो काम नहीं करता है कंटेक्ट ग्राउटिंग, स्पेशली कंटेक्ट ग्राउटिंग के लिए। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग के लिए अलग होगा, वो मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो यहां से क्या होगा कि हम ग्राउट पंप से, मान लीजिए कि यहाँ ग्राउट पंप है, यहाँ हम ग्राउट पंप रखे हुए हैं, यहाँ ग्राउट पंप है, तो यहाँ से जो है हम ग्राउट पंप के थ्रू से होस फिट करके और इसमें सीमेंट ग्राउट को यहाँ तक हम होस फिट करके इसमें यहाँ तक रहते हैं, होस को यहाँ तक नोजल होता है, नोजल को यहाँ तक रॉक के सरफेस तक जाते हैं और फिर वहां से हम 1.5, 2 और 3 आइडर या 4, यानी 1.5 से लेकर 4 केजी तक के प्रेशर में इसमें ग्राउट को सप्लाई किया जाता है। वो ग्राउट जाके क्या करता है कि इस गैप को फिल कर देता है। देखिए ये फिल क्या हुआ है, ये गैप फिल हुआ है, ये गैप फिल हो जाता है। इस तरह से ये क्या होता है कि पूरे पेरीफेरी में फिल हो जाता है। फिर यहां से करते हैं तो इधर आता है। इसमें ध्यान रखने की बात है, पहले ऊपर से नहीं करते हैं, पहले नीचे से करते हैं। पहला ग्राउटिंग जो है हम शुरू करेंगे बॉटम से, इस होल से, ताकि इधर ग्राउट फिल हो जाए, ये ग्राउट फिल हो जाएगा, इधर का ग्राउट फिल हो जाएगा, ये पूरा फिल हो जाएगा यहां पर, यहां तक एक ग्राउट प्लेसमेंट ग्राउट फिल हो जाएगा, फिर ये यहां से यहां तक फिल हो जाएगा, ये सब फिल हो जाएगा, इसके नीचे सब फिल हो जाएगा। यहां से पहले हम नीचे बॉटम से शुरू किया, यानी इनवर्ट लेवल से शुरू किया, इसके बाद स्प्रिंग लेवल पर हम शुरू करते हैं। तो पहले यहां से ग्राउटिंग करेंगे, तो ये ग्राउट ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जितना चढ़ सकता है चढ़ेगा, अगर ग्राउट रिफ्यूज कर गया उसको निकाल देते हैं। फिर ये करने के बाद फिर इधर से हम ग्राउट इंजेक्ट करते हैं, फिर ये भी इधर आके फिल होगा, अगर उसका आगे फिल नहीं होता है तो ग्राउट रिफ्यूज करेगा, फिर हम बंद कर देते हैं। सबसे लास्ट में क्राउन में लेकर के ग्राउट को हम इंजेक्ट करते हैं। क्राउन में ग्राउट इंजेक्ट करते हैं तो जो भी पोर्शन इधर खाली रहता है इधर से आके इधर हाँ फिल हो जाता है। इसके बाद इधर सब फिल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो नीचे वालों में भी अगर कहीं कोई बबल टाइप या कुछ रह जाता है तो सब फिल कर जाता है। तो ये है कंटेक्ट ग्राउटिंग। इसको कंटेक्ट ग्राउटिंग क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि रॉक सरफेस और लाइनिंग का सरफेस, कंक्रीट लाइनिंग के सरफेस के बीच में जो गैप रह जाता है उसको कंटेक्ट किया जाता है। कंटेक्ट करने से हमारा लाइनिंग जो है स्ट्रांग हो जाता है और कंप्लीट रिक्वायर्ड डिजाइन थिकनेस मिल जाता है। तो टनल को डैमेज होने का, लाइनिंग को, कंक्रीट लाइनिंग को डैमेज होने का चांसेस नहीं रहता है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कंटेक्ट ग्राउटिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को जो दूसरी वीडियो दूंगा, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े ही दिन में दूंगा, एक दो रोज बाद दूंगा, कि वो होगा आपको कंसोलिडेशन ग्राउटिंग के ऊपर। ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं और समाप्त करने से पहले आप लोगों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अभी तक जितनी भी वीडियो बनी है, हमारे एसोसिएट के जितने भी मेंबर हैं, हम लोगों ने एक मीटिंग किया, उसमें फैसला हुआ ये कि जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के साथ हम लोग
जूम क्लाउड मीटिंग में या व्हाट्सएप चैट में फेस टू फेस बात करेंगे। बात करके और हम लोगों को एक आप लोगों का टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद आप लोगों को एक वीडियो कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देंगे। अब इस बारे में अभी जो फाइनल डिसीजन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें, नमस्कार।